हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आपको प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है। ये हर बॉडी टाइप के लिए है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन भी कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्री वर्कआउट मील की, कि आपको अपनी डाइट में क्या लेना है। जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको अपनी डाइट में क्या लेना है, और जो वेट गेन कर रहे हैं उनको अपनी डाइट में क्या लेना है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब जो मेरे भाई जो वेट लॉस कर रहे हैं, हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनको अपनी प्री वर्कआउट मील में क्या लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से 30 मिनट पहले आपको एक कप कॉफ़ी या लेमन वाटर लेना चाहिए। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। इसी के साथ आप फाइबर रिच डाइट भी ले सकते हैं या सलाद भी ले सकते हैं। और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो आपको 4 बजे अपनी प्री वर्कआउट ले लेनी चाहिए। उसके बाद आपको आधे घंटे बाद जिम जाना चाहिए। दोस्तों, प्री वर्कआउट में आपको थोड़ा सा कैफीन लेना चाहिए जो कॉफ़ी में मिलता है। कैफीन वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है और आपको ये प्री वर्कआउट की मील में लेना चाहिए। जो मेरे भाई जो वेट गेन कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनको प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आपको वर्कआउट के 30 मिनट पहले ओट मील लेना चाहिए, या फिर आप उसकी जगह दही भी ले सकते हैं प्री वर्कआउट मील में। जो सबसे सिंपल है प्री वर्कआउट मील में, आप ले सकते हैं बनाना। दोस्तों, 2 बनाना को आप कंज्यूम कर सकते हैं एज अ प्री वर्कआउट मील। यह आपको पूरे वर्कआउट में स्टेमिना बूस्ट करेगा और आपको वेट लिफ्टिंग में बहुत हेल्प भी करेगा। अब बात कर लेते हैं हम पोस्ट वर्कआउट मील की, कि हमें पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लेना चाहिए। वेट लॉस करने वालों को क्या लेना चाहिए और वेट गेन करने वालों को पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लेना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेट लॉस करने वाले पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लें। दोस्तों, जिम में वेट लिफ्टिंग करने के बाद हमारे जो मसल है उनमें टीयर्स हो जाते हैं, यानी वो फट जाते हैं। उनको रिपेयर करने के लिए हमें बहुत हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है। इसलिए आपको पोस्ट वर्कआउट भी एक प्रोटीन रिच डाइट से ही पूरा करना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि आप पोस्ट वर्कआउट में एक वे प्रोटीन शेक ले सकते हैं, या उसके अलावा आप 8 एग की ऑमलेट ले सकते हैं। उसी के साथ आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा और कई ऑप्शन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी हर डाइट में फाइबर और प्रोटीन सही मात्रा में हो और कार्ब्स थोड़ी कम मात्रा में हो, जो आपके फैट लॉस को प्रमोट करेंगे। पोस्ट वर्कआउट मील फॉर वेट गेनर्स। दोस्तों, आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लेना चाहिए, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, जब आप वेट गेन करें तो आप मसल बिल्ड करने में ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए आपको एक प्रोटीन रिच डाइट लेनी होगी जो आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। पोस्ट वर्कआउट मील में आप ले सकते हैं भीगे हुए चने। ये सबसे सस्ता और अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है वे प्रोटीन का। आप अगर वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक कटोरा सलाद ले सकते हैं। उसी के साथ 2 रोटी ले सकते हैं आप। थोड़ी सी सब्जी, घर का खाना खा सकते हैं, और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं हेल्दी फैट्स के लिए, जो आपकी वेट गेन में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर लेते हैं, दोस्तों, आपका वेट गेन गारंटीड होगा और आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगेगी। जो पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में मैंने जो आपको डाइट बताई है, वो आप अपनी कैलोरिक के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट को ज़्यादा फैंसी ना करें, ये एक्सपेंसिव हो सकती है। इसी के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा ऑयल भी यूज़ ना करें, यह आपकी एम्प्टी कैलोरीज को बढ़ा देगा और हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं होती है एम्प्टी कैलोरीज। इसको फिर हमें अलग से बर्न करना होगा। सो होप गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।